नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे दिनभर की 25 बड़ी खबरों की ओर। भाजपा सांसद के साथ हुई 3.25 करोड़ की ठगी। रवि किशन ने मुंबई के एक बिल्डर के खिलाफ रुपए हड़पने का लगाया आरोप। सांसद ने शिकायत में बताया कि पिछले कई महीनों से बिल्डर से कर रहे थे पैसे की मांग। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। जापान यात्रा से भारत लौटे पीएम मोदी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में हुए थे शामिल। पीएम मोदी ने टोक्यो पहुंचने के बाद जापानी समकक्ष फुमिया किशिदा के साथ की थी सार्थक बैठक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। सेना के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी हुए ढेर। कुलगाम के अहवाटू इलाके में सेना को मिली आतंकियों की इनपुट। पीएफआई संगठन पर केंद्र सरकार ने कसा शिकंजा। यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित होने के बाद लगा 5 साल का बैन। टेरर लिंक के आरोप में देश के कई राज्यों में लगातार छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने लिया एक्शन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उठाया भारतीयों के वीजा संबंधी मुद्दा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिया भारत को आश्वासन। कहा यूएस वीजा के लिए 800 दिनों की वेटिंग पीरियड की चिंता दूर करेगा अमेरिका। भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर रामनगरी में धूम। सीएम योगी ने दिया अयोध्या को बड़ी सौगात। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की याद में बनाया गया लता मंगेशकर चौक। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने दिया वीडियो संदेश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में आज 18वां दिन। राहुल गांधी के साथ उनके समर्थक और कार्यकर्ता वायनाड पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज नए केस की कल होगी सुनवाई। सीजेआई यूयू ललित की पीठ के समक्ष उनके वकील कपिल सिब्बल ने किया सुनवाई का आग्रह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों को दिया आर्थिक सहायता। 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ हर तरह की सहायता का दिया आश्वासन। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें। चंपत राय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी की फोटो। लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के मौके पर राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर निर्माण प्रगति की तस्वीरें। एमपी के दतिया में छात्र के बस्ते में निकला सांप। सांप निकलने से छात्र व शिक्षकों के बीच मचा हड़कंप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यह घटना बडौनी शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल की है। यूपी के अमरोहा में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा धाम तिगरी में गंगा में आया उफान। गंगा किनारे रह रहे पुरोहितों की झोपड़ी में घुसा पानी। गंगा का जलस्तर बढ़कर 200 मीटर के पार पहुंचा। जिला प्रशासन ने सभी बड़ी चौकियों को किया अलर्ट। पूर्वांचल के 8 जिलों में येलो अलर्ट। गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गाजीपुर के आसपास जिलों में बारिश होने की मौसम विभाग ने जताई आशंका। जिलों में गरज चमक के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से खाकी का सराहनीय चेहरा आया सामने। पुलिस का जवान खाली वक्त में नौनिहालों को देता है शिक्षा। पीआरवी वैन 13-24 पर तैनात सिपाही शिवम पुंडीर पॉइंट गाड़ी पर गाड़ी खड़ी होने के बाद समय में नौनिहालों को शिक्षा देते हैं। ज्ञान बाबी मस्जिद विवाद मामले में हाई कोर्ट ने की सुनवाई। अब तक कुल 5 अर्जी हुई है दाखिल। ये सुनवाई दोपहर 2 बजे हुई। प्रकाश पीडिया की सिंगल बेंच में हुई। इस मामले में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट सभी 5 अर्जियों पर अपना जजमेंट रिजर्व रख सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा कि भाजपा को सिर्फ सपा ही हरा सकती है। सपा द्वारा समाजवादियों और बहुजनवादियों के साथ गठबंधन के नतीजे भले ही अपेक्षा के अनुरूप न रहे हों, लेकिन इससे ये जाहिर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सपा ही हरा सकती है। यूपी के बुंदेलखंड में बनेगा टाइगर रिजर्व। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड में बाघ अभयारण्य बनाने को दी मंजूरी। यूपी के मुजफ्फरनगर से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। मुजफ्फरनगर में एक 32 साल के शख्स के पेट से डॉक्टर ने 62 चम्मचें निकाली। डॉक्टर ने बताया कि शख्स 1 साल से खा रहा था चम्मचें। राजस्थान की सियासत में आया तूफान अब थमने वाला है। इसका इशारा कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किया जा चुका है। राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयान के बाद सचिन पायलट को राहत मिलने वाली है।
कांग्रेस ने नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का संकेत दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आगे चल रहे अशोक गहलोत को राजस्थान के सिंहासन की कमान किसी और को सौंपनी पड़ सकती है। बुधवार को अशोक गहलोत ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी की। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। इस मामले में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। बाद में ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देश के बेहद चर्चित शराब कारोबारी समीर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने समीर महेंद्र से कई राउंड की पूछताछ की थी। पीएफआई बैन पर बोले लालू यादव, एक रूपता हो पीएफआई के साथ आरएसएस पर भी लगे प्रतिबंध। पीएफआई के साथ ही आरएसएस पर भी बैन लगने की मांग की है। वहीं लालू ने कहा कि याद रहे, आरएसएस पर सबसे पहले लोक पुरुष सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। इन्हीं लोगों ने दुर्गा वाहिनी बनाई थी और आरएसएस और इस तरह के सभी संगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहीद भगत सिंह की जयंती पर आयोजित समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधिकारिक तौर पर किया ऐलान। पीएफआई बैन पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन। ओवैसी ने कहा कि वे पीएफआई की सोच का समर्थन नहीं करते, लेकिन पीएफआई को बैन करना गलत है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि पीएफआई प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया जा सकता। अपराध करने वाले लोगों के कामों को मतलब यह नहीं कि संगठन को ही प्रतिबंधित किया जाए। यूपी के अमरोहा से बड़ी लापरवाही आई सामने। जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल पा रही स्ट्रेचर की सुविधा। मरीज को कंधे पर लाद कर ले जा रहे तीमारदार। कंधे पर मरीज ले जाते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के अमरोहा में भगत सिंह की रैली में हुई युवक की मौत। युवक डीजे पर बैठकर बना रहा था वीडियो। मकान की छत से टकराया सर। सीएचसी में डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र की पूरी घटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।